प्रधानमंत्री समेत समस्त मंत्रिमंडल को असंख्य शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, देश के लोगों ने इस बार मतगणना के माध्यम से संदेश दिया है। अर्थव्यवस्था 5 करोड़ पूंजीपतियों की गुलाम न हो, आर्थिक नीतियां, बिहार जैसे राज्य को विशेष दर्जा मिले, आरक्षण पर स्थिति आप स्पष्ट करें, और युवाओं का रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। इसके अलावा सारी चीजें बेमानी हैं। अभी 240 पे आए हैं, आप आगे 40 पे चले जाएंगे अगर आपने ये पूरी की पूरी परिपाटी बदली नहीं। लेकिन इसी बीच अखबारों चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, एक तरीके से नाराजगी जाहिर की है या फिर नाराज हैं मंत्री पद नहीं मिलने को लेकर। देखिए, कल मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री था, एमओएस मुझको सूट नहीं करेगा, और ये इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स ये सचमुच मैं समझता हूँ किसी के लिए भी प्रीतिकर नहीं होगा। और अभी आप देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये हनीमून पीरियड है, इसमें तलाक के लक्षण नहीं ढूंढना चाहिए। आने वाले महीनों में किस प्रकार से चीजें बैठती हैं देखना। इम्पोर्टेंट बिहार को लेकर है, संभवतः 8 मंत्री सभी पार्टियों को मिलाकर इंक्लूडिंग बीजेपी बिहार से मंत्री। नहीं देखिए, बहुत सारी चीजें, मिथिलांचल पूरा छूट गया, मतलब सारा वोट चाहिए आपको, बिहार को कुछ नहीं चाहिए, बिहार के उस इलाके को कुछ नहीं चाहिए, सीमांचल से मिथिलांचल पूरा का पूरा। ये कौन से लोग मंत्रिमंडल को तय करते, खैर उनका ये प्रेरोगेटिव है, लेकिन बिहार से अगर 8 मंत्री हैं तो हम तो ये आग्रह करेंगे विशेष राज्य के दर्जे में कोई देर नहीं होनी चाहिए। बिहार की मांग है जातिगत जनगणना पूरे देश में, वो होनी चाहिए। रोजगार, जिसको तेजस्वी जी ने केंद्रीय मुद्दा बनाया, उस पर पहलकदमी होनी चाहिए। यही चाहिए ना बिहार को, विशेष पैकेज चाहिए ताकि हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को लेकर के जो भी ब्लूप्रिंट है उस पर काम कर सके। प्रधानमंत्री समेत समस्त मंत्रिमंडल को असंख्य शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, देश के लोगों ने इस बार मतगणना के माध्यम से संदेश दिया है। अर्थव्यवस्था 5 करोड़ पूंजीपतियों की गुलाम न हो, आर्थिक नीतियां, बिहार जैसे राज्य को विशेष दर्जा मिले, आरक्षण पर स्थिति आप स्पष्ट करें, और युवाओं का रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। इसके अलावा सारी चीजें बेमानी हैं। अभी 240 पे आए हैं, आप आगे 40 पे चले जाएंगे अगर आपने ये पूरी की पूरी परिपाटी बदली नहीं। लेकिन इसी बीच अखबारों चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, एक तरीके से नाराजगी जाहिर की है या फिर नाराज हैं मंत्री पद नहीं मिलने को लेकर। देखिए, कल मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री था, एमओएस मुझको सूट नहीं करेगा, और ये इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स ये सचमुच मैं समझता हूँ किसी के लिए भी प्रीतिकर नहीं होगा। और अभी आप देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये हनीमून पीरियड है, इसमें तलाक के लक्षण नहीं ढूंढना चाहिए। आने वाले महीनों में किस प्रकार से चीजें बैठती हैं देखना। इम्पोर्टेंट बिहार को लेकर है, संभवतः 8 मंत्री सभी पार्टियों को मिलाकर इंक्लूडिंग बीजेपी बिहार से मंत्री। नहीं देखिए, बहुत सारी चीजें, मिथिलांचल पूरा छूट गया, मतलब सारा वोट चाहिए आपको, बिहार को कुछ नहीं चाहिए, बिहार के उस इलाके को कुछ नहीं चाहिए, सीमांचल से मिथिलांचल पूरा का पूरा। ये कौन से लोग मंत्रिमंडल को तय करते, खैर उनका ये प्रेरोगेटिव है, लेकिन बिहार से अगर 8 मंत्री हैं तो हम तो ये आग्रह करेंगे विशेष राज्य के दर्जे में कोई देर नहीं होनी चाहिए। बिहार की मांग है जातिगत जनगणना पूरे देश में, वो होनी चाहिए। रोजगार, जिसको तेजस्वी जी ने केंद्रीय मुद्दा बनाया, उस पर पहलकदमी होनी चाहिए। यही चाहिए ना बिहार को, विशेष पैकेज चाहिए ताकि हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को लेकर के जो भी ब्लूप्रिंट है उस पर काम कर सकें।